सारे इंडियन घरों में सुबह बहुत ही ज्यादा भागदौड़ रहती ही है। एक तो हस्बैंड ऑफिस जाने वाले होते, या फिर बच्चे स्कूल जाने वाले होते, या फिर हम खुद हाउसवाइफ और वर्किंग वुमन, ये दोनों ही रोल निभा रहे होते हैं। तब हमें कुछ जो टिप्स है वो बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आप कुछ भी बनाओ, धनिया, मिर्च, लहसुन, अदरक, ये कुछ चीजें हैं जो हमें हर सब्जी में लगती ही है, तो क्यों ना इसी से स्टार्ट किया जाए। जल्दी जल्दी धनिया जो है वो खराब हो जाता है, बहुत ज्यादा दिन नहीं टिकता, लेकिन इस टिप से अगर आप धनिया स्टोर करोगे तो कम से कम 10 दिन आपका धनिया फ्रेश का फ्रेश ही रहेगा। तो क्या करना है, जो भी डंडिया है और जो भी पत्ते हैं वो हमें अलग अलग कर लेने हैं, और जो भी पीले पत्ते हैं वो हमें डिस्कार्ड कर देने हैं, क्योंकि पीले पत्ते जो है वो जल्दी खराब हो जाते हैं। अभी आप कोई भी डब्बा लीजिए, स्टील लीजिए, कांच लीजिए या प्लास्टिक लीजिए, उसमें एक तो न्यूज़पेपर डालना है या फिर टिश्यू पेपर भी डाल सकते हैं, और उसमें हमें ये जो धनिया के पत्ते हैं वो रख देने हैं। इस तरह से आपका धनिया 10 दिन तक चलेगा। अगर आपने इसके ऊपर भी एक धनिया के टिश्यू पेपर रख दिया ना, तो बहुत ही ज्यादा दिन चल लेता है। उसके बाद जो डंडिया है ये भी काम आती है, किसी भी ऑल पर्पज ग्रेवी में आप इसे यूज कर सकते हो। ये भी मैंने एक प्लास्टिक के डिब्बे में रख दिया है। नेक्स्ट है अरबी के पत्ते, ये भी बहुत ही ज्यादा आयुर्वेदा के हिसाब से अच्छी एक लीफी वेजिटेबल है। इसे हम महाराष्ट्र में अड़ूवड़ी बनाते हैं इससे, इन पत्तों से, और ये भी हमें इसी तरह एक प्लास्टिक के डब्बे में स्टोर करके रखनी है, नहीं तो ये बाहर पीले पड़ जाते हैं। बाद में आता है हमारा करी लीव्स या कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ता भी हमें तड़के के लिए, साउथ इंडियन फूड में तो कड़ी पत्ता का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है, दाल में जब हम तड़का देते हैं तब यूज करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, एक बार कड़ी पत्ता लाती हूँ और कम से कम 15 दिन वो कड़ी पत्ता अच्छे से चल जाता है। तो करी लीव्स जो है वो हमें ऐसे डिब्बे में रखने हैं, पर पहले उसके पहले हमें डब्बे में जो है वो कोई भी लाइनर, मतलब जैसे मैंने बोला न्यूज़पेपर या टिश्यू पेपर जरूर लगाना है। क्या होता है, जब भी हम फ्रिज में चीजें रखते हैं, कोई भी डब्बा रखते हैं, कोई भी कंटेनर रखते हैं, तो उसमें मॉइस्चर बहुत जल्दी छूट जाता है और फिर उसी से चीजें खराब होती है। तो ये जो टिश्यू पेपर है ये मॉइस्चर को प्रिवेंट करता है और सब्जियों को लॉन्ग टर्म तक अच्छे से रखता है। उसके बाद में है पालक। पालक तो आयरन से भरपूर होती है, खानी चाहिए, बच्चों को भी देनी चाहिए। अगर बच्चे नहीं खाते तो कुछ भी पराठे वराठे बना कर हम इसका दे सकते हैं, पालक पनीर बना सकते हैं, दाल पालक बना सकते हैं। तो अगर आपको कुछ रेसिपीज भी देखनी है तो मुझे जरूर बताना, मैं वो भी शेयर करूंगी। एक डब्बे में मैंने वैसे ही टिश्यू पेपर लगाया है और उसमें पालक के जो अच्छे अच्छे पत्ते हैं वो रख दूंगी। कुछ पत्ते खराब भी आते हैं तो वो मैं डिस्कार्ड कर दूंगी। इस तरह से पालक भी आपका हफ्ते भर अच्छे से रह जाएगा। वैसे भी जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं वो हमें जल्दी यूज कर लेनी चाहिए, और बाकी की जो सब्जियां है वो हम लास्ट में भी यूज कर सकते हैं। तो फूल को भी अगर आपके अच्छे नहीं निकलती है तो इसके जो फ्लोरेट्स है ना, छोटे छोटे जो फूल है इसके, वो ऐसे अलग अलग होने चाहिए, तो उसमें कीड़े नहीं रहते। एकदम ऐसे बंद वाली गोभी रही ना, कुछ इसके फ्लावर अलग अलग नहीं दिखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा कीड़े होते हैं। एक छोटा सा टिप था, तो मैं क्या करती हूँ, इसके से छोटे छोटे फूल काट कर एक डिब्बे में रख देती हूँ और जो नीचे का डंठल है वो डिस्कार्ड कर देती हूँ। मॉर्निंग में भागा दौड़ी होती है तो जल्दी से ये फ्लोरेट्स रेडी है, तो इसे जल्दी जल्दी कट करके आलू के साथ या फिर ऐसे भी हम इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से फूलगोभी भी जो है मेरी वो रेडी हो चुकी है और ये भी मैंने ऐसे स्टोर करके रख दिया है। इसके बाद आती है भिंडी की बारी। तो भिंडी को हमेशा ऐसे ना डंठल से तोड़ना चाहिए, जो लास्ट एंड है। अगर ये अच्छे से टूट जाता है, मतलब ये भिंडी बहुत ही अच्छी निकलती है और अंदर से भी ज्यादा पकी हुई नहीं रहती, तो इसको स्टोर करना एकदम ही इजी है। इसको मैं क्या करती हूँ, जनरली एक खादे से डिब्बे में रखती हूँ या फिर किसी रबर से इसको अच्छे से पैक करके रख देती हूँ ताकि एक जगह मिले। नहीं तो हम ऐसे ही अगर फ्रिज के टब में रख देंगे ना, तो सुबह उनको ढूंढने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा भिंडियों को। तो इस तरह से मैं इसको स्टोर करती हूँ।
बाद में आता है अदरक, तो अदरक तो हमें चाय में लगता है, लहसुन अदरक का पेस्ट बनाते वक्त लगता है, बहुत सारी रेसिपीज में हम अदरक यूज करते हैं। तो इसको ना जो ज्यादा पॉलिश वाला अदरक है वो मैं नहीं लाती हूँ, थोड़ा सा ऐसे नॉर्मल जो मिलता है ना वही लाती हूँ। और ऐसे रेशा अगर रहे तो अदरक बहुत ही ज्यादा जूसी रहता है, तो मैं ऐसे ही देख के लाती हूँ। और फिर इसे अगर आपको स्टोर करना है तो आप इसके ऊपर के छिलके चम्मच से निकाल के रख सकते हो, चम्मच से बहुत जल्दी निकल जाते हैं, पर मैं नहीं निकालती हूँ। अगर बहुत ही ज्यादा गंदा हो गया अदरक, बहुत ज्यादा मिट्टी लगी है, तभी मैं निकालती हूँ इसके ऊपर का छिलका, अदरवाइज मैं ऐसे यूज कर लेती हूँ। तो इसको भी हम एक आधा प्लास्टिक के डब्बे में स्टोर कर सकते हैं, इससे बहुत ज्यादा लाइफ हो जाती है। और साथ में मैं कुछ लेमन्स भी उसके साथ रख देती हूँ अदरक के साथ। तो अगर हमें लेमन लाने हैं, अभी तो समर टाइम चल रहा है, तो अगर अच्छे लेमन चाहिए ना तो लेमन को हमेशा दबा के देखना चाहिए, थोड़ा सा से बहुत ज्यादा जूसी होगा ना तो थोड़ा सा दब जाता है और बहुत ही अच्छा उसमें से जूस निकलता है। तो कुछ लेमन मैंने इस डब्बे में स्टोर करके रखे और कुछ जो लेमन है वो मैंने यहाँ पे रखे है। नेक्स्ट जो हमारे वेजिटेबल है वो है, इसे हम टेंडली भी बोलते हैं या फिर तुंद्रू वगैरह बोलते हैं कुछ लोग, तो ये भी हमें ना ऐसे नाखून डाल के देखना है, अगर ये फ्रेश रहा ना तो ऐसे जूस निकलता है, ऐसे थोड़ा सा ये जो है स्टिकी जूस होता है। और इसे अपना किसी भी प्लास्टिक के बैग में रख सकते हो या फिर जो बैग आती है ना फ्रिज में सब्जियां रखने के लिए उसमें भी स्टोर कर सकते हो। ये एक सॉल्ट की बैग है तो मैं इसमें रखना पसंद करती हूँ। और ये जो टेंडली है ये ना जल्दी पक जाती है, तो ऐसे रखने से ये जल्दी पकती नहीं है और आप 3-4 दिन बाद भी इसको यूज कर सकते हो। अभी हम कुछ सब्जियां जो है वो जल्दी भी खराब हो जाती है या फिर हम अलग अलग लाते हैं हर हफ्ते, पर कुछ ऐसी सब्जियां जैसे टोमेटो है, मिर्ची है, धनिया है, वो हम हर हफ्ते लाते हैं। तो टोमेटो की को भी स्टोर करना है ना, तो सेपरेट हमेशा बास्केट में, सेपरेट बास्केट में हमें इसको स्टोर करना है ताकि बाकी सब्जियों के साथ ये दब ना जाए और खराब ना हो जाए। नेक्स्ट है शिमला मिर्च, कैप्सिकम, तो इसको भी है ना हम दबा के देख सकते हैं नीचे से और ऊपर से, अगर ये कड़क होगा ना तो बहुत ही फ्रेश ये शिमला मिर्च होता है। और ये हम टोमेटो के साथ रख सकते हैं क्योंकि बहुत ही हल्का होता है, तो इससे टोमेटो भी खराब नहीं होते हैं। तो इस तरह से हमारा टोमेटो और शिमला मिर्च का बैच भी रेडी है। आप इसको ना वॉश करके और सुखा के फिर स्टोर कर सकते हो टोमेटो हरी मिर्च को, मैं वैसे ही करती हूँ। और फिर ये है गाजर, तो सैलेड में भी मैं हर हफ्ते कुछ ना कुछ जरूर लेके आती हूँ। मैं आपको हाईली ऐसे सजेस्ट करूंगी कि ये जो गाजर है या फिर ककड़ी है, ये सारी चीजें आप जरूर सैलेड में रखा करें घर पे, या फिर इसके हम पराठे वगैरह भी बना सकते हैं, सब्जी में भी यूज कर सकते हैं। अभी समर में तो ये ऑरेंज गाजर ही मिलती है। तो नेक्स्ट है बटाटा, या फिर हम इसको पोटैटो बोलते हैं, आलू बोलते हैं, तो ये तो घर में ज़रूर होना चाहिए। अगर सुबह आपको बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया उठने के लिए, टिफ़िन बनाना है या फिर पुलाव बनाना है, तो ये जो आलू है बहुत ही काम में आता है। तो ककड़े अगर आप सिलेक्ट करते हो, और जनरली समर में ककड़ी आपकी कड़वी निकलती है, तो एक टिप है, ये जो बीच का पोर्शन है ना वो थोड़ा सा पतला होना चाहिए और बाजू से जो ककड़ी वो मोटी होनी चाहिए, तो ये कड़वी नहीं निकलती है। और हम भैया से पूछ भी सकते हैं कि भैया ककड़ी खराब तो नहीं है, कड़वी तो नहीं है, मैं तो हमेशा वैसे ही करती हूँ। और उसके बाद में है ये पत्ता गोभी, तो पत्ता गोभी भी बहुत ही अच्छी है खाने में, स्पेशली आप अगर इसको डिनर में लेते हो दाल में डाल के या फिर इसकी सब्जी बना के, इसके पराठे बना के, तो ये वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो ये भी पत्ता गोभी जो है ये मेरी जनरली ख़राब नहीं निकलती, क्योंकि मैं ना शॉप में ऐसे देख लेती हूँ 2-4 पत्ते हटा के, अगर कीड़े होंगे तो वहाँ पे होंगे तो मैं वो वाली नहीं लाती हूँ। नेक्स्ट है लौकी, इसे ना बहुत घर में बहुत ज़्यादा हेट मिलता है, बहुत बच्चों को बड़ों को ये पसंद नहीं आती है, पर मुझे पर्सनली अच्छी लगती है, इसके पराठे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सब्जी में थोड़ा कम करते हो इसके, पर पराठे वगैरह या पुलाव भी बनता है, लौकी का पुलाव भी अच्छा लगता है, पर ये फ्रेश होनी चाहिए, कड़वी नहीं रहनी चाहिए। उसके लिए ना आपको देखना है कि एक ऐसे नाखून डाल के आप देखिए, अगर इसमें से ऐसे जूस निकल रहा है ना तो ये जूसी है और फ्रेश लौकी है, तो ऐसी ही लानी है, नहीं तो अगर कड़वी रही तो वो पॉइजनस भी रह सकती है। उसके बाद है ना कोई भी फली हो, गवार की फली हो, कोई भी बीन्स हो, मैं ना हमेशा कट करके रखती हूँ, ऐसे ही चाकू से कर लेती हूँ या फिर हाथ के से तोड़ के भी हम रख सकते हैं, और फिर इसको मैं किसी भी डब्बे में स्टोर करके रख देती हूँ।
जैसे मैंने बोला पहले ही कि स्टील का डब्बा हो किसी में भी, तो इससे ना इतनी जल्दी फटाफट सब्जी बन जाती है। बस जीरा मोरी का छौंक लगाइए और थोड़ी सी मिर्ची, अगर प्याज वैस डालना है तो डाल दीजिए, और ये फल्ली डाल दीजिए, रेडी रहती है कट करके। तो ऐसे तुरंत 5 मिनट में टिफिन बन जाएगा आपका, और ज़्यादा आपको ताम झाम नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद में ना बच्चों का फेवरेट होता है कॉर्न, कॉर्न का पुलाव बना सकते हैं, हम स्टीम वाला कॉर्न भी बच्चों को बना के देते हैं, हेल्दी स्नैक के तौर से हो जाता है। पर इसको अगर ऐसे ही रखेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाता है, तो मैं क्या करती हूँ इसके दाने निकाल के रखती हूँ, फिर किसी भी ब्रेकफास्ट रेसिपी में जैसे पोहा में उपमा में डाल देती हूँ, या फिर कभी इसे स्टीम करके भी मसाला वाला कॉर्न वगैरह बना लेती हूँ। तो अगर इस तरह से आप बीच से तोड़ के फिर दाने निकालोगे ना तो बहुत ही फास्ट दाने निकलते हैं, आपका 10 मिनट में काम हो जाएगा। और ये सारी कुछ चीज़ें हैं ना हम टीवी देखते वक्त या फिर मोबाइल में जैसे मेरा व्लॉग देखते वक्त आप ये सारे काम कर सकते हो। तो ये हो गए मेरे कॉर्न भी रेडी, अभी हफ्ता भर अच्छे से चलेंगे पूरे वीक। तो आज की मील प्लानिंग की जो वीडियो थी ना ये स्पेशली डेडिकेटेड थी पूरे वेजिटेबल्स को। ऐसे ही कुछ और एक इसका पार्ट 2 बनता है मेरे घर में, जिसमें कुछ मसाले हो गए, ऑल पर्पस ग्रेवी हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं करके रखती हूँ उसका भी व्लॉग मैं जल्दी ही लेके आऊँगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं बहुत दिन के बाद इस चैनल पे मेरे वापस आई हूँ, तो थोड़ा सा मोटिवेशन ज़रूर देना मुझे, अच्छे अच्छे कमेंट्स देना और लाइक भी ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।